सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो काफी स्पेशल है, क्योंकि मैं, मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स हम लोग जा रहे थे गुजरात घूमने। तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो अहमदाबाद के लिए रहेगा। सबसे पहले हमने सहारनपुर से ट्रेन पकड़ी थी जो हमको गाजियाबाद लेके जा रही थी। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम थी और अब गाजियाबाद भी राइट टाइम पर पहुंचे, जहां पर हम पहुंचे सीधा नानी के घर, जहां बहुत प्यारा हमको बच्चा मिला। और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाया था, सब लोग बहुत अच्छे थे, सब लोगों ने वो बहुत अच्छा वेलकम किया। और फिर नानी जी से हमने लास्ट में मुलाकात की। नानी से बाय करने के बाद अब टाइम हो चला था हमारी फ्लाइट का, तो हमने तुरंत अपनी एक टैक्सी बुक कराई और निकल पड़े थे हम सीधा एयरपोर्ट की ओर। रास्ता लगभग 1-1.5 घंटा लगा था हमको गाजियाबाद से एयरपोर्ट पहुंचने का। सो फाइनली अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंच के सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। थोड़ा सा न्यू था क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे थे मम्मी पापा और हम लोग, तो हम लोग सीधा अपना चेक इन कराने चल लिए थे। फ्लाइट में थोड़ा सा अभी टाइम था और भूख लग गई थी हमको, तो थोड़ा सा हमने अपने लिए कुछ स्नैक्स मंगाया। स्नैक्स खाने के बाद हम चल दिए थे अपना प्लेन की ओर। तो सब लोगों ने थोड़ा हाय हेलो करके ब्लॉक की शोभा बढ़ाई। उसके बाद हम जल्दी जल्दी, हमारा टाइम हो चुका था, 9:30 की हमारी फ्लाइट थी। फ्लाइट में जब हम एंटर कर रहे थे तो हमें एयर होस्टेस मिली। उधर हमारे रिलेटिव्स भी अपनी ट्रेन में बैठ गए थे, इनकी ट्रेन सुबह अहमदाबाद पहुंच जाएगी 9:30 बजे करीब। अब प्लेन का टेक ऑफ का टाइम हो चुका था, हमने प्लेन को भी किया बाय बाय। और सामने का व्यू देखे कितना अच्छा था, पूरा शहर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था जब फ्लाइट हमारी उड़ रही थी। और फ्लाइट में हमारे लिए मील भी आई थी भूख, क्योंकि भूख हमें बार बार लग रही थी। तो दाल चावल आए थे और एक बहुत अच्छी पुडिंग आई थी। और थोड़ा सा डर लग रहा था मम्मी पापा को भी, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में थे, बट ऐसा एक्सपीरियंस किसी को कुछ हुआ नहीं। और जो कि हमारी फ्लाइट थी लगभग 1.5 घंटे के अराउंड हम लोगों को उसने अहमदाबाद उतार दिया था। लगभग 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद हम लैंड हो गए थे अहमदाबाद में। रात में फिर हमने होटल लिया और फिर इतनी देर में हमारे कजन्स भी सुबह पहुंच गए थे। सुबह सुबह फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह सब ऑटो पकड़ के हम निकल चुके थे कनकेरिया लेक, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक है गुजरात की। गर्मी बहुत ज्यादा थी पर सब लोगों में उत्साह बहुत था घूमने का, तो जल्दी जल्दी हम लोग स्पॉट पर पहुंच गए थे। स्पॉट पहुंचने के बाद फिर दोबारा सबने हाई किया चैनल को, आप लोग भी सब्सक्राइब करें। पूरा व्यू बहुत शानदार था वहाँ का, और अलग अलग तरह की राइड्स थी, जेट्स की थी यहाँ पर, बोटिंग थी, और जिन लोगों को ट्रेन से भी चारों ओर घूमना था वो भी घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बोटिंग करेंगे, पूरा नज़ारा देख के अब मन हो चला था हमारा बोटिंग करने का। बट उससे पहले हमने सोचा कुछ पिक्स क्लिक कराए जाएँ। सो कनकेरिया लेक में खूब मस्ती करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अक्षरधाम, जहाँ पे हमें रूट नहीं पता था तो हमने बस ले ली, बट वो काफ़ी हेक्टिक था तो हमने डिसाइड किया हम एक कैब बुक कराते हैं। और वो हमें ठीक पड़ी, लाइक आधे घंटे में हमें उसने आराम से पहुँचा दिया। वहाँ पे पहुँच के हमारे सारे फोन्स और वॉलेट्स डिपॉजिट कर लिए गए थे बैगेज काउंटर पे। सबको बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी तो हमें एक लोकल ढाबे पे रुक गए और वहाँ हमने गुजराती थाली खाई जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर कॉटन कैंडी का मज़ा लेने के बाद हम निकल अक्षरधाम पे। कैमरे अलाउड नहीं थे तो फिर हम कुछ शूट नहीं कर पाए, बट मंदिर बहुत अच्छा था। थोड़ी गर्मी थी तो सबको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था साइंस सिटी, और ये तो बहुत ही अच्छा था। इसमें पूरा एक दिन भी कम पड़ जाता, हमारे पास टाइम कम था तो हमें बहुत जल्दी जल्दी घूमना पड़ा, बट इट वॉज वर्थ वॉचिंग। बहुत अच्छा नेचर पार्क बना हुआ है, बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, एंड जो भी नेचर लवर है उनके लिए तो मस्ट विजिट है। हम एक्वेटिक गैलरी की तरफ चले क्योंकि वही खुला था संडे में, और ये तो वर्थ सीइंग था।
बहुत सारी छोटी बड़ी फिशेस, सारे मरीन एनिमल्स थे ऑलमोस्ट, टर्टल्स वगैरह भी थे। और सबसे मेन अच्छी चीज़ थी कि ये बहुत ही फुल्ली एयर कंडीशन था, तो हमें गर्मी से भी राहत मिली। सबने खूब एंजॉय किया, फोटोज क्लिक कराई। बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज की फिशेस थी और कुछ तो ऐसी थी जो एंडेंजर्ड थी, तो इन्होंने काफी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया गया है सारे मरीन एनिमल्स को। यहाँ से निकलने के बाद हमने एक टूर लिया नेचर पार्क के लिए, वहाँ फोटोज क्लिक कराई, मस्ती की और बहुत ही अच्छा लगा सबको, खूब मजा आया। इस जगह को पूरा एक दिन देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, हमने तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर। नेचर पार्क में मस्ती करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था रिवर फ्रंट, क्योंकि शाम हो रही थी और हमने डिसाइड किया था कि शाम में उसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, तो हम सारे उसी की तरफ निकल पड़े। रिवर फ्रंट पहुंचने तक तो मौसम ठीक भी हो गया था, बट हम सारे काफी थक चुके थे। यहाँ पे ये अटल ब्रिज नया खुला हुआ है, मैं लास्ट टाइम आई थी 2-3 साल पहले, तब ये नहीं था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था। और यहाँ से पूरे शहर का व्यू बहुत अच्छा आता है, ब्रिज भी काफी अच्छा बना हुआ है। विराट कोहली को देखते देखते हमने अपना डिनर एंजॉय किया और डिनर करने के बाद हमें फटाफट अपनी ट्रेन भी पकड़नी थी। आज का दिन बहुत अच्छा रहा ऑल टुगेदर, हालांकि गर्मी थी बट सबने बहुत इन्जॉय किया। हम स्टेशन पहुंच गए टाइम से और हम रेडी थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द्वारका, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं आपको आगे के व्लॉग्स में। टेक केयर, बाय बाय।